सारा वही पुराना है और रिया चक्रवर्ती और उसके पूरे परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है और बिहार पुलिस यहाँ से मुंबई के लिए कूच भी की है और जाकर के वहाँ जांच करेगी और जांच में जो रिपोर्ट आएगा उस पर कार्रवाई होगा। तो एफआईआर दर्ज हुआ है और चाचा की तरफ से एफआईआर दर्ज किया गया है। क्या है पूरे मामले में, क्या है? एफआईआर में धोखाधड़ी का है, सुशांत के अकाउंट से बहुत सारा पैसा ट्रांसफर हुआ है उसके अकाउंट में और ज्वाइंट अकाउंट बना करके कई कंपनी बना करके कुछ धोखाधड़ी का काम किया गया उसकी तरफ से। तो वो सारा जांच का इशू है, पुलिस जाएगी जांच करेगी तो सारा कुछ बाहर आएगा कि क्या क्या किया गया। जब आप लोगों को ये सब जानकारी थी पहले एफआईआर क्यों नहीं करवाया? पहले किसको जानकारी था? पहले किसी को कोई जानकारी नहीं थी। जब वहाँ मुंबई पुलिस जांच कर रही है, जांच करके कुछ कुछ सामने आ रहा है तो फिर पता चल रहा है वहाँ रहता कौन था। वहाँ किसी को जानकारी नहीं थी कि सुशांत का क्या चल रहा है। सारे लोग अपने अपने जगह पर थे, कोई गांव में रहते हैं, कोई पटना रहते हैं, कुछ लोग चंडीगढ़ रहते हैं, सब रिलेटिव सब सारे बाहर रहते हैं। तो जिनको जो जानकारी मिल रही है उसी हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। अब जानकारी हुई है कि उसके अकाउंट से मतलब छेड़छाड़ किया गया, उसके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हुआ है तो कार्रवाई हो रही है। सरकार आपकी है, सीबीआई जांच के लिए आप लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं? पूरा सीबीआई जांच के लिए कहा गया, आप हमारा बाइट नहीं देखें, लगातार सीबीआई जांच का मांग हो रहा है। सरकार थोड़े सीबीआई जांच कराती है, वो राज्य सरकार महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के लिए करेगी। हम लोग डिमांड कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के लिए लिख करके देगी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमारी सरकार है सीबीआई जांच ले लिया है। सीबीआई जांच महाराष्ट्र सरकार देगी तभी सीबीआई जांच लिया जाएगा। सारा वही पुराना है और रिया चक्रवर्ती उसके पूरे परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है और बिहार पुलिस यहाँ से मुंबई के लिए कूच भी की है और जाकर के वहाँ जांच करेगी और जांच में जो रिपोर्ट आएगा उस पर कार्रवाई होगा। चाचा की तरफ से एफआईआर में धोखाधड़ी का है, सुशांत के अकाउंट से बहुत सारा पैसा ट्रांसफर हुआ है उसके अकाउंट में और ज्वाइंट अकाउंट बना करके कई कंपनी बना करके कुछ धोखाधड़ी का काम किया गया उसकी तरफ से। वो सारा जांच का इशू है, पुलिस जाएगी जांच करेगी तो सारा कुछ बाहर आएगा कि क्या क्या किया गया। जब आप लोगों को ये सब जानकारी थी पहले एफआईआर क्यों नहीं करवाया? पहले किसको जानकारी थी? पहले किसी को कोई जानकारी नहीं थी। जब वहाँ मुंबई पुलिस जांच कर रही है, जांच करके कुछ कुछ सामने आ रहा है तो फिर पता चल रहा है वहाँ रहता कौन था। वहाँ किसी को जानकारी नहीं थी कि सुशांत का क्या चल रहा है। सारे लोग अपने अपने जगह पर थे, कोई गांव में रहते हैं, कोई पटना रहते हैं, कुछ लोग चंडीगढ़ रहते हैं, सब रिलेटिव सब सारे बाहर रहते हैं। तो जिनको जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। अब जानकारी हुई है कि उसके अकाउंट से मतलब छेड़छाड़ किया गया, उसके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हुआ है तो कार्रवाई हो रही है। सरकार आपकी है, सीबीआई जांच के लिए आप लोग क्यों नहीं लिखे हैं? पूरा सीबीआई जांच के लिए कहा गया, आप हमारा बाइट नहीं देखें, लगातार सीबीआई जांच का मांग हो रहा है। सरकार थोड़े सीबीआई जांच कराती है, वो राज्य सरकार महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के लिए करेगी। हम लोग डिमांड कर रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच के लिए लिख करके देगी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमारी सरकार है और सीबीआई जांच ले लिया जाएगा। सीबीआई जांच महाराष्ट्र सरकार देगी तभी सीबीआई जांच लिया जाएगा।